नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया के खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश है में एक बार फिर आपका स्वागत है। ये उत्तराखंड एडिशन है जहां पर हम बात करेंगे उत्तराखंड की उन विधानसभाओं की जहां पर दरअसल जमीनी हाल क्या है, इसको जानने की टटोलने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कि क्या विधायक ने जो बातें कही थी, जो दावे किए थे, जो वादे किए थे, क्या उनको पूरा किया, क्या सरकार अपने वादों पर खरा उतर सकी, इन सब पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि हम आज किन मुद्दों पर बातचीत करने जा रहे हैं। आज बात करेंगे हम गंगोत्री विधानसभा की और ताल ठोक कर पूछेंगे कि क्या गंगोत्री गद्दी दिलाएगी। तो गंगोत्री गद्दी दिलाएगी, इसको लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि यहां से विधायक गोपाल रावत साहब का बीते कुछ माह पहले निधन हो गया, उनको हमारी श्रद्धांजलि रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि इससे पहले 2017 से पहले यहां पर विजय पाल सिंह कांग्रेस से नेता, इनका डंका बजता था, इनका यहां पर ये विधायक थे, यहां पर एमएलए साहब थे। लेकिन फिलहाल जो सबसे बड़ी खबर है गंगोत्री को लेकर वो ये है कि गंगोत्री विधानसभा में अब कांग्रेस गुटों में बट गई है, दो दो गुट हो गए हैं। एक गुट मांग कर रहा है कि विजयपाल साहब को ही मैदान में उतारना चाहिए, वहीं दूसरा गुट मांग कर रहा है, जो चिट्ठी लिख रहा है प्रदेश अध्यक्ष को, वो कह रहा है कि नहीं, हरीश रावत साहब को यहां से चुनाव लड़ाना चाहिए। लेकिन एक और इस बार जो महत्वपूर्ण चेहरा गंगोत्री विधानसभा से हम सबको नजर आएगा वो है कर्नल अजय कोठियाल साहब का। तो गंगोत्री विधानसभा से इस बार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और सीएम के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल साहब भी मैदान में हैं। तो क्या इस बार गंगोत्री का जो रण है वो तीन स्तरीय, तीन तरफ से लड़ाई होगी, त्रिस्तरीय युद्ध होगा, या फिर हर बार की तरह है कांग्रेस बनाम भाजपा में सिमट कर रह जाएगा। लेकिन क्या कुछ हाल है, क्या कुछ परिस्थितियां हैं, इन सबको जानेंगे, समझेंगे, तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि तस्वीरें आखिर क्या कुछ कहती हैं। तो ये तस्वीरें हैं गंगोत्री की, गंगोत्री विधानसभा की। गंगोत्री विधानसभा में दरअसल जो सबसे प्रमुख मुद्दे हैं उसमें ये मुद्दा सबसे अहम है कि जो सड़क है उसका हाल क्या है। तो देखिए, सड़क तो बेहाल है, तस्वीर खुद आप देख सकते हैं। साथ ही साथ बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, और पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, इस कथन को कहने से पहले हमको ये देखना होता है कि क्या आसपास स्कूल हैं, क्या बच्चे बेटियां स्कूलों में पढ़ पाएंगे। तो उसके लिए बता रहे हैं कि समस्याएं बहुत हैं, स्कूल नहीं है यहाँ पर, तो सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, और साथ ही साथ स्कूल नहीं है, समस्याओं के लिहाज से कमी है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे। प्रेमकांत सोनवाल साहब हैं, तीर्थ पुरोहित गंगोत्री धाम से। माधवेंद्र रावत साहब हैं, आप उपला टेक्नोजन कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरा गांव मेरा देश है। सबसे पहले तो प्रेमकांत सोनवाल साहब, मैं आपसे आता हूँ। इस बार गंगोत्री का जो रण है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री के चेहरे हैं वो भी ताल ठोक रहे हैं यहाँ से, और ऊपर से विजयपाल साहब भी मैदान में हैं। क्या लगता है, क्या दिखती है तस्वीर इस बार, या फिर बीजेपी फिर जी? मैं अभी जो तस्वीर दिख रहे गंगोत्री विधानसभा का, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको जो है अपने चैनल के माध्यम से जो है आप हमसे जानकारियां या वो कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। और अभी 2022 का जो चुनाव है उसमें ज्यादा कुछ ऐसा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अन्य विजयपाल सजवान भी यहाँ पे दो बार विधायक रह चुके हैं, और गंगोत्री विधानसभा की जो दिशा और दशा उन्होंने सुधारी वो इनके विपक्ष में जो है दो बार माननीय स्वर्गीय गोपाल सिंह राव जी भी रहे, लेकिन उनके और इनके जो कार्य जो धरातल पे है उनमें जमीन और आसमान का फर्क है जी। ठीक है, थोड़ा सा इस बिंदु पर प्रकाश डालिएगा, जो आपने कहा कि जो विकास कार्य है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिएगा। इसमें प्रकाश देखो सर, सबसे पहले मैं गंगोत्री धाम का पुजारी हूँ, माँ गंगा जी का पुजारी हूँ, और जो अभी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है आपने अभी बताया कि स्कूल की और सड़क की है, और सड़क जो है अभी हरसी से मुखवा तक मात्र 3 किलोमीटर सड़क जो कटी है,
जो वो जो है माननीय विजयपाल सजवाणी के द्वारा ही जो है उसका कार्य हुआ, जबकि दो बार जो बीजेपी के विधायक भी रह चुके हैं। जी ठीक है, चलिए माधवेंद्र रावत साहब भी हमारे साथ हैं। माधवेंद्र जी, क्या लगता है किसका डंका इस बार बजने वाला है? क्या है तैयारी 2022 की? किसका माहौल बनता दिख रहा है आपको? के आपने में मौका दिया। देखिए यहाँ पर हमारा एक जो उपर जनकल्याण मंच है, न्यूट्रल मंच है, और हम हमेशा ये हमारे जो साथी हैं बैठे हुए हैं प्रेमनाथ सिपाल जी जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, मैं भाजपा से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमारा जो जनकल्याण मंच है वो सामूहिकता से काम करता है और सभी की समस्या उठाता है, सरकार के बीच भी बोलना पड़ता है तो बोलते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक पार्टी की तरफ से कहूंगा कि जो भाजपा हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा जनाधार, कल हमारी जो रैली हुई राजनाथ सिंह जी जो आए थे, आपने तस्वीरें भी रखिएगा ताकि माहौल समझ में आता रहे, फुल स्क्रीन पर तस्वीरें रखिएगा। जी जी हेलो हेलो, चलिए आप अपनी बात अपनी बात जारी रखिए। तो हमारा जो कल जो हमारा जनसमूह उमड़ा था जो वहाँ पर, तभी ने देखा उत्तरकाशी में काफी विशाल जनसमूह था। हालांकि हम इस चीज में थोड़ा सा अभी पिछड़ रहे हैं कि हमारा कैंडिडेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन विकास के मामले में देखिए स्वर्गीय गोपाल रावत जी की अकस्मात जो मृत्यु हुई है वो बहुत, उन्होंने जो यहाँ पर रोडों के जाल बिछाए हैं, कई गाँव की रोड उन्होंने सूचित किए, स्वयं जानते हैं हमारे सेमाल जी भी जानते हैं, लेकिन वो दुर्भाग्यवश उनकी जो मृत्यु हुई है उसका बड़ा नुकसान हुआ है। जब जब एक समय था उनका विकास करने का, जब वो काम करने कम उन्होंने निधि ना बांटनी थी और फटाफट उन्होंने काम करने थे, तब उनकी मृत्यु हो गई थी, दुर्भाग्य है, इसमें हम पिछड़ गए। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाजपा यहाँ पर काम नहीं कर रही है और भाजपा यहाँ पर रिपीट नहीं करेगी। डेफिनेटली आप देखिएगा कि कर्नल कोटियाल साहब भी यहाँ पर है और त्रिकोणीय जो मुकाबला हो गया है तो इसमें मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। वो हमेशा रहता है कि एक सत्ताधारी जो पार्टी रहती है उसके उसको एंटी इनकमेंसी का फेस करना पड़ता है, लेकिन फिर भी अब की बार हम 60 के पार हम जाएंगे और हम लोगों ने बहुत सारे काम किए यहाँ पर इस क्षेत्र में और उत्तरकाशी में, खासकर रोड के लिहाज से बहुत काम किए हैं गोपाल रावत जी ने। आप देखिए केलसु पट्टी में देखिए आप रोड अब जाके वहाँ कही है, रोड को वो घाटी अब जाके जुड़ी, ऐसे तमाम उन्होंने काम किए हैं। मैं बहुत सारे गाँव के तो नाम भी नहीं जानता हूँ जहाँ पर उन्होंने रोडों के जाल बिछाए। गारंटी इनकमेंसी दिखेगी नहीं दिखेगी नहीं समय बताएगा, लेकिन इस बार ये मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यहाँ से कर्नल अजय कोठियाल साहब ताल ठोक रहे हैं। कर्नल अजय कोठियाल साहब का कितना माहौल दिख रहा है माधवेंद्र जी? अब माहौल तो खैर अब जब वोटिंग होगी तभी पता चलेगा, क्योंकि वो उन्होंने यहाँ पर एज ए एनआईएम प्रिंसिपल के तौर पे यहाँ पर काम किया था और उनकी काफी अच्छी जान पहचान है, अच्छी अच्छी पैड भी है उनकी, ये सब मानते हैं। और उनके पास जो भी अभी जो जन समर्थन दिख रहा है वो कर्नल कोटियाल साहब के जब यहाँ पर एनआईएम में थे वो है। अब वो वोट पे कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है वो ये एक प्रश्न होगा, एक सवाल होगा अभी आने वाले समय पे, पर उनकी पैड तो मैं मानता हूँ कि वो बहुत डिसिप्लिन्ड व्यक्ति है, पर्सनल स्तर पर बात करूं तो बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति हैं। क्या वो जो पहले से राजनीतिक जो बड़े चेहरे हैं उनसे टक्कर ले पाएंगे? ठीक है, तो गेस्ट पर वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा सियासी जो हालचाल है वो बता देते हैं। इस विधानसभा की सियासी तबीयत फिलहाल ठीक नहीं है क्योंकि विधायक जी का कुछ माह पहले ही निधन हो गया। गोपाल रावत साहब यहां से विधायक थे जो कि बीजेपी की ओर से विधायक थे, लेकिन विजयपाल सिंह जो इससे पहले विधायक थे 2017 से पहले कांग्रेस की तरफ से, उनका काफी बोलबाला है, काफी गर्दिश में रहते हैं विजयपाल सिंह। तो विजयपाल सिंह को एक बार फिर यहां से टिकट मिलने के आसार थे, पूर्णतः दावेदारी मजबूत थी, लेकिन अभी बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस में दो फाड़ हुए हैं, कांग्रेस में दो गुट बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में एक गुट तो विजयपाल के समर्थन में ही है, लेकिन दूसरा गुट जो है वो लगातार मांग कर रहा है कि नहीं, यहां से हरीश रावत साहब को चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल साहब को चिट्ठी भी लिखी गई है, उस चिट्ठी के बाद अब क्या निर्णय लिया जाता है ये समय बताएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच अभी गुटबाजी का दौर चल रहा है। बीजेपी हालांकि अभी तक कोई पत्ता नहीं खोल रही है, बीजेपी ने खुलकर अभी तक कोई बात ना तो की है ना ही कोई पत्ता खोला है, लेकिन लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या गंगोत्री गद्दी दिलाएगी,
यही सवाल आज हम भी पूछ रहे हैं, क्योंकि गंगोत्री से बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े दावेदार सामने हैं। अगर हरीश रावत साहब को यहां से टिकट मिल जाता है, अगर कांग्रेस की गुटबाजी को समाप्त करने के एवज में अगर पार्टी हरीश रावत साहब को यहां से मैदान में उतारती है, तो मुकाबला दिलचस्प होगा, कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तरफ हरीश रावत साहब उत्तराखंड की सियासत का सबसे बड़ा चेहरा है, उत्तराखंड की सियासत में एक बड़ी हनक रखते हैं हरीश रावत साहब, और हरीश रावत साहब के अगेंस्ट में मैदान में नई पार्टी जरूर है, लेकिन कर्नल अजय कोठियाल साहब का भी बोलबाला है, वो भी काफी मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रहे हैं। तो कर्नल अजय कोठियाल साहब एक तरफ, दूसरी तरफ हरीश रावत साहब, तो यह अहम हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़े नेताओं के सामने, ऐसे बड़े चेहरों के सामने आखिर कौन सा दांव खेलेगी, आखिर कौन सा मास्टर कार्ड निकालेगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले गंगोत्री एक हॉट सीट साबित होती नजर आ रही है, लेकिन गंगोत्री में विकास का जो पहिया है, विकास का जो रथ है, वो दरअसल डामाडोल होता हुआ नजर आ रहा है। सड़क की हालत हम क्या कहें, तस्वीरें ज्यादा अच्छा बयां कर सकती हैं। तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरें बताती हैं कि आपको यहां आने में और जाने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ प्रमुख समस्याओं में बिजली भी आज तक एक समस्या है। बिजली हर घर में चमचमा नहीं रही है, बिजली हर घर को रोशन नहीं कर रही है, बिजली की समस्या बदस्तूर जारी है। 21 साल हो गए हैं उत्तराखंड को बने हुए, लेकिन उसके बावजूद आज भी गंगोत्री विकास के लिए तरस रही है। और गंगोत्री में जैसा कि हमको बताया गया कि 6 महाव्यवसाय है, तो 6 महा असहाय है, तो 6 महा का जो व्यवसाय है वो पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि श्रद्धालु कितनी भारी संख्या में आ रहे हैं, और श्रद्धालुओं के बुलाने के लिए, श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्थाएं देने के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है समितियों की तरफ से, यह भी प्रमुख मुद्दा होगा आने वाले चुनावों में। तो इन सब बातों पर बात करेंगे, हमारे साथ लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उन पर हम वापस जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको तस्वीरों के साथ थोड़ा सा आपका तालमेल कराता हूं, ताकि आप तस्वीरों के जरिए समझ सकेंगे कि गंगोत्री में बड़े बड़े चेहरे तो हैं, लेकिन नाम बड़े दर्शन छोटे वाली स्थिति है। ये देखिए, दर्शन आपको छोटे होंगे, नाम जरूर बड़ा है, मैदान में सियासी चेहरे जरूर बड़े हैं, सत्ता महत्वपूर्ण है, सियासत भी महत्वपूर्ण है, राजनीति भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जरा दर्शन करिए आप गंगोत्री का। तो गंगोत्री विधानसभा की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि नाम तो बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं। प्रेमकांत साहब, बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े सियासी चेहरे, कर्नल अजय कोठियाल साहब, हरीश रावत साहब से भी कहा जा रहा है कि आइए चुनाव लड़िए, विजय पाल साहब पहले से बड़ा चेहरा गंगोत्री का, बीजेपी भी पीछे नहीं हटेगी, बड़ा पत्ता फेंकेगी, लेकिन ऐसे में ये बताइए कि नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं लेकिन दर्शन तस्वीरों के जरिए छोटे हो रहे हैं। सर, अभी जो राज्य सरकार की जो मंशा है करनी और कथनी में बहुत अंतर है। कल माननीय जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी, वो कल उत्तरकाशी आते हैं और कहते हैं कि हम 3 सीएम बदले या 10 सीएम बदले उससे आपको क्या लेना, जबकि उनको माननीय मंत्री जी को ये मालूम नहीं है कि जो मंत्री और सीएम का जो भत्ता है वो आम जनता के टैक्स से जो है बहाल किया जाता है। लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी जो है कल कह रहे हैं कि जो है हम 3 बदले चाहे 10 बदले आपको इससे क्या लेना है, ये तो मतलब विकास की बातें नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि वो कुछ हमारे गंगोत्री विधानसभा के लिए कुछ अच्छी सौगात लेकर आए, एक एकलव्य स्कूल की हमारी मांग थी अपने उपराटकों क्षेत्र में, हॉस्टल क्षेत्र में, वो भी स्कूल नहीं बन पा रहा, और जो हमारी रोड है ऑलवेदर रोड के जो इकोसिस्टम की तरफ से जो है वो रोक लगी हुई है, ये उत्तरकाशी आगे ये रोड नहीं बन पा रही, उधर जो है हम लोगों का जो क्षेत्र है टकमोर क्षेत्र गंगोत्री विधानसभा में हॉस्टल, इस जगह पे जो है जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा कहर है, उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोई कदम नहीं उठा रही, सरकार की कोई अच्छी रणनीति नहीं है हमारे क्षेत्र के लिए। आप तीर्थ पुरोहित हैं तो ये बताइएगा, जो देवस्थानम बोर्ड का जो मामला था, नाराजगी अभी भी है? नाराजगी तो है सर, क्योंकि अगर आप किसी को कोई चोट पहुंचाते हैं उनके हृदय में, अगर कोई चोट हम लोगों की जो
ये देवस्थानम बोर्ड से जो है हमारे मन और मस्तिष्क में ये चोट लगी है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कह रहे हैं कि बात कर ली गई है, मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है हमारे बीच में, तीर्थ पुरोहितों के बीच में। माननीय पुष्कर सिंह धामी जो हमारे युवा मुख्यमंत्री अभी बने हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और कि उन्होंने ये फैसला जो है अपना बदला, ये देवस्थानम बोर्ड को रद्द किया, उसके लिए हम उनका जो है कोटिस अभिनंदन करते हैं। लेकिन जो हमारी जो इन दो सालों में स्थिति हुई है वो तो पूरा जग जाहिर है कि हम लोग किस कठिनाइयों से जो है हमें ये सामना करना पड़ा और हमारे पूर्वजों ने जो है बदला गया उसको लेकर आप ये तो बात कहेंगे कि आप एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनाएंगे? जी सर, वो तो बनाने की बात तो वो तो आम पब्लिक की है, जो उत्तराखंड की पूरी पब्लिक है, जो पूरी जनता है वो इसका वो करेंगे। जवाब विधायक भेजेंगे ना प्रेमकांत साहब, तो फिर तो ऑटोमेटिक है कि अपने आप खुद ही बीजेपी के मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। तो आप विधायक बनाने जा रहे हैं, तीर्थ पुरोहितों की अगर बात करो, गंगोत्री से जो है कांग्रेस पार्टी के सशक्त जो उम्मीदवार है माननीय विजयपाल सजवाण जी, वो हजारों हजार मत से जो है विजय होकर के यहाँ से जाएंगे और उत्तराखंड में जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, अभी इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, लेकिन लेकिन अब कांग्रेस के भीतर तो गुटबाजी होने लगी है। एक पत्र लिखा गया है गणेश गोदियाल साहब को और कहा गया है कि भाई यहाँ से तो हरीश रावत साहब ने चुनाव लड़वाई है। जी जी नहीं सर, वो थोड़ा सा क्या होता है परिवार में कुछ लोगों की जब मन की बात नहीं होती है तो वो जो है आप थोड़ा सा मन भेद हो जाता है, उनको मना लिया जाएगा और मना लिया लिए गए भी होंगे, कोई ऐसी बात मना नहीं लिया है। जाएगा अगर नहीं माने जी जी और कार्यकर्ता ही आखिर बाकी हो गए। नहीं नहीं मानेंगे, वो एक परिवार के सदस्य हैं और उनको जो है अच्छे तरीके से समझाया जाएगा कि इस तरह से जो है परिवार में विघटन नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरा कहना यह है कि अगर नहीं माने, दो गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है, अब इसको तो हम मुझे भी एक्सेप्ट करना होगा, आप भी एक्सेप्ट करिए उसको, गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन ऐसे में एक पत्र लिखा गया है, बकायदा पत्र है जो सार्वजनिक है, सबके सामने है, उस पत्र के जरिए ये मांग की गई है कि हरीश रावत साहब को यहां से कैंडिडेट बनाइए। अगर नहीं बनाएंगे तो जिन लोगों ने पत्र लिखा है वो भी तो नाराज हो जाएंगे, अब किसी की तो नाराजगी उठानी पड़ेगी और इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है गंगोत्री से। जी वो गुट नहीं है सर, कुछ लोग है जो जिनकी जो थोड़ा सा नहीं अवेलना की गई होगी या उनकी बात नहीं मानी गई होगी, वो कांग्रेस परिवार के जो है सदस्य हैं और कांग्रेस परिवार के लिए जो है वो भी काम करेंगे, उसमें गुटबाजी की कोई बात नहीं है। मतलब गंगोत्री के तीर जो है वो पूर्णतः 100% पूरा तिलक लगाकर पूरा जो अपना समर्थन है वो विजयपाल साहब को देने जा रहे हैं। जी 100% मैं कह सकता हूँ सर मैं, लेकिन मतलब 50-50 तो हो ही जाएगा सर। चलिए ठीक है, 50-50 तो हो ही जाएगा। ऐसे में हमारे साथ माधवेंद्र रावत जी भी जुड़े हुए हैं। माधवेंद्र जी, प्रेमकांत साहब कह रहे हैं चंदन टीका लगा के वोट पूरा कांग्रेस को जाने वाला है इस बार और विजयपाल साहब यहाँ से विजयी घोषित होने वाले हैं और कांग्रेस की सरकार प्रदेश में बनने जा रही है, आप कितना सहमत हैं? जी मैं तो इस बात को प्रेमकांत जी की इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि कल जो हमारी जन आशीर्वाद रैली का जो समापन यहाँ पर हुआ था राजनाथ सिंह जी के पास, जब राजनाथ सिंह जी आए थे तो गंगोत्री के जो मंदिर समिति के रावल हैं और सभी पार्टी के उसमें है, वो उनको आशीर्वाद देने यहाँ पर आए थे गंगा जल लेके और उन्होंने धन्यवाद भी किया था। हालांकि हमारे पूर्व में हमारे जो मुख्यमंत्री जी कुछ रहे हैं जो रहे हैं त्रिवेंद्र जी से, या उनसे अगर कोई गलती हुई है तो उसका भी परिवार के ही एक सदस्य ने क्षमा मांगकर उस देवस्थानम एक्ट को खत्म किया है, तो मैं नहीं मानता हूँ माँ गंगा का आशीर्वाद उनको अवश्य मिलेगा, भाजपा को अवश्य मिलेगा। बीजेपी की ओर से कौन दावेदारी पेश करने जा रहा है? जी बीजेपी की तरफ से अभी दावेदारी का तो कुछ निश्चित नहीं है, क्योंकि वो भाई पार्टी हाईकमान तय कर चुकी है, क्योंकि कल राजनाथ सिंह बड़ा चेहरा कौन हो सकते हैं, किस पर दांव लगाया जा सकता है? देखिए आपने कल हमारी जनरल आशीर्वाद रैली में देखा होगा, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि अगर हम सीएम प्रोजेक्ट करके किसी को करते तो हम उसे 5 साल तक नहीं हटाते हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि अभी भी पार्टी के नाम पे ही चुनाव लड़ा जा रहा है और जो भी होगा
वो सब एकजुट होंगे और हमारे पार्टी में तो अभी हमारे पार्टी में इतनी डेमोक्रेसी है कि हमारे 12-12 कैंडिडेट विधायक का दावा ठुक रहे हैं। हमने कितनी तैयारी की, किस तरह से हमने अपनी नर्सरी लगाई और देखे हमारे कितने फलदार हैं सभी। और कांग्रेस में देखिए कांग्रेस में आप देखिए डेमोक्रेसी के नाम पे जीरो है। माननीय सजवाण जी के अलावा कोई हिम्मत नहीं कर सकता है कि वो कह दे कि मैं पार्टी का अगला चेहरा हूँ। जिन लड़कों ने जो 10 लोगों ने चिट्ठी लिखी है वो लोग भी कई लोग अभी भी डर के मारे मुकर चुके हैं कि नहीं हम नहीं है। एक छतर राज सजवाण जी का चल रहा है। कांग्रेस में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। पर आप देखिए साहब तो कह रहे हैं कि कोई गुटबाजी नहीं है। प्रेमकांत साहब कह रहे हैं कोई गुटबाजी नहीं। देखिए मैं आपको कुछ लोग हैं, गिनती के लोग हैं। नहीं मैं आपको प्रेमकांत जी को सही कह रहे हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूँ कि देखिए हरीश रावत जी आज 43 वार्ड में रैली कर रहे हैं। वहाँ दीपक बिजवाण जी आए हुए हैं, जिला पंचायत हमारे जो अध्यक्ष हैं। आप देखिए यहाँ पर दीपक बिजवाण जी के पार्टी में आने के विरोध में यहाँ के जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं श्री जगमोहन जी जो जिला अध्यक्ष है उनके साथ यमुना वैली के सभी काफी लोग दौल सिंह जी लोग और महामंत्री प्रदेश सचिव सभी लोगों ने विरोध किया। दीपक बिजवाण का विरोध करते हैं। ठीक है प्रेमकांत साहब कांग्रेस में तो डेमोक्रेसी ही नहीं है। नहीं है सर। अब जहां डेमोक्रेसी नहीं है कांग्रेस में तो फिर कैसे काम चलेगा? बीजेपी को फायदा हो जाएगा। वो जो बात है सर, वो यमुनोत्री विधानसभा की है सर। यमुनोत्री विधानसभा में जो है ऐसा हुआ कि जो हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक मिश्रा। अच्छा, आप नेता हैं कि कार्यकर्ता हैं? जी आप नेता हैं या कार्यकर्ता हैं कांग्रेस से? ठीक है। हाँ तो ये मैं जानना चाह रहा था कि कांग्रेस में तो डेमोक्रेसी ही नहीं है। अब डेमोक्रेसी नहीं है तो फिर बीजेपी को फायदा हो जाएगा इसका, होगा कि नहीं? लेकिन उसमें जो है 10-12-11 लोगों की आप ये देखिए, आप अगर 50-50 की बात मैं जितना सुन पा रहा हूँ, हालांकि आवाज थोड़ी सी फिक्स नहीं है लेकिन फिर भी मैं जितना समझ पा रहा हूँ आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर 50-50 वाली स्थिति है। तो अगर नहीं है 50-50 वाली स्थिति नहीं है सर, उसको हम बोलेंगे कि गुट हो गया, मतलब आधे लोग इधर आधे लोग उधर। वो तो 10-11 लोगों के साइन सर उस नेतर पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदेश अध्यक्ष मोदयाल जी को भेजा था हमारे पूर्व जिला के जी। और उसमें भी कई लोग हमारे कार्यकर्ता जो है वो हमारे कह रहे हैं कि जो है हमारा नाम जो है फर्जी तरीके से लिखा गया है, उसमें कोई जोराय नहीं है, यहाँ पे कोई गुटबाजी नहीं कांग्रेस परिवार के अंदर। ठीक है, गंगोत्री से थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, पूरे उत्तरकाशी की बात करते हैं। उत्तरकाशी विकास के मामले में 2017 से पहले ज्यादा समृद्ध था या फिर अब? सर 2017 से पहले तो नहीं बोलूंगा सर मैं, लेकिन 2005-06 के बाद जो उत्तरकाशी में थोड़ा सा विकास हुआ है सर। ठीक है, जब ये परियोजना माननीय जैसा संपूर्ण उत्तराखंड में देखा जाता है वैसे ही उत्तरकाशी में भी देखा गया है। गंगोत्री की बात करूं तो वहां भी देखा गया है कि बीजेपी कांग्रेस तो ये तो लोग कहते हैं कि एक क्वाइन है जो फ्लिप होता रहता है। और नेता भी अमूमन बड़े नेता भी आजकल तो बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी करने लगे हैं। तो ऐसे में एक पार्टी विशेष को आप कैसे समर्थन कर सकते हैं? पार्टी की नीयत जो है वो दरअसल नेताओं से तय होती है ना। अब नेताओं का ही भरोसा कैसे करें जब यशपाल आर्य जैसे बड़े नेता कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, हरक सिंह रावत जैसे बड़े नेता कभी बीजेपी कभी कांग्रेस। लेकिन वो जो आपने गंगोत्री विधानसभा के मामले जो विजयपाल शर्मा या गोपाल सिंह रावत जी रहे, अपनी पार्टी विजयपाल शर्मा पर आपको यकीन है कि कांग्रेस में ही बने रहेंगे? कौन सर? विजयपाल सिंह जी विजयपाल सजवाण जी कांग्रेस में ही बने रहेंगे सर, उसमें कोई दो राय नहीं। वो कांग्रेस की थोड़ा बीच में मन डोल गया था ऐसा सुनने में आया। अच्छा नहीं, ये तो उत्तराखंड की सियासत में दरअसल चंदन टीका जैसी बात है कि लगा ही रहता है। हर किसी का सियासत डोले ना डोले लेकिन नेताओं को अक्सर हमने देखा कि मन डोलता रहता है। कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस
देखिए सर आप मेरी बात, आप खुद सोचिए जिस पार्टी अब आम आदमी पार्टी जो है वो एक छोटी सी चिप्पी आती है ना, चिप्पी लगाने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी के आने से जो सियासी फेरबदल है, जो सियासी समीकरण है, वो जरूर आप बदलेंगे। मानते हैं बात को? देखिए सर, हम आम आदमी पार्टी के आने से हमें तो ज्यादा कोई नुकसान होगा नहीं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के लिए एंटी इनकम्बेंसी जैसे एक फैक्टर होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो होता है वो हमेशा विपक्ष की तरफ जाता है। अगर उनको विपक्ष के बाद उनको कोई नया ऑप्शन मिला है तो वो नुकसान उनका है। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए, दो चीजें सियासत में बदल चुके हैं, दो चीजें सियासत में बदल चुकी है। पहली चीज भीड़, आपको बताता हूं 2014 से पहले जो भीड़ देखने को मिलती थी, भीड़ से तय होते थे मानक कि किस नेता की कितनी लोकप्रियता है या कौन जीतने जा रहा है। लेकिन आज की बात करूं तो आज हर नेता की सभा में आपको भीड़ दिख जाएगी, क्योंकि माध्यम कई आ गए हैं भीड़ जुटाने के, तो भीड़ हर नेता को दिखती है। समझे आप? इसी के साथ जो आपने बात की कि एंटी इनकम्बेंसी अगर आती है तो विपक्ष को फायदा मिलेगा, ऐसा नहीं है। दिल्ली में जब चुनाव हुए थे तब हम सभी ने देखा था कि किस कदर बूढ़ी पार्टियां, अपना पूरा जीवन जी चुकी पार्टियां, इनके सामने एक नौजवान आम आदमी पार्टी आई और बम्पर वोट पाए और जीती। तो ये एक्सपेरिमेंट उत्तराखंड में क्यों ना सही? देखिए सर, उत्तराखंड की जनता इनको किस तरह से लेती हो तो अब भविष्य ही बताएगा, लेकिन हर जगह के अपने अपने अलग अलग समीकरण होते हैं। दिल्ली की जो प्रायोरिटी है वो यहाँ नहीं है, तो वो तय करेगा भविष्य, वो बताएगा कि क्या होने वाला आगे। क्योंकि ये दिल्ली का जो ये मॉडल कह रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, ये दिल्ली में ये ढंग से लागू नहीं कर पाए। चलिए ठीक है, तो ये हमारी एक कोशिश थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माधवेंद्र जी और प्रेमकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो ये हमारा एक प्रयास था ये समझने के लिए कि क्या गंगोत्री विधानसभा गद्दी दिलाएगी, कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही ये जो जंग है वो रह जाएगी, या आम आदमी पार्टी से कर्नल अजय कोठियाल साहब कुछ करिश्मा करने वाले हैं, ये वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी कल। शुक्रिया।